हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए क्विक थिंक के चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के इस पहले का शीर्षक है दूध किसने पिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन रात को दया भाभी किचन में जाती है और फ्रिज में दूध रखती है और सोने के लिए चली जाती है। और जब सुबह उठकर आती है तो देखती है दूध की बोतल खाली है। तो दया भाभी टप्पू, जेठालाल और चंपक लाल को बुलाती है और पूछती है कि आप तीनों में से दूध किसने पिया है। तीनों बोलते हैं हमने नहीं पिया है। तो दया भाभी सोचती है कोई तो झूठ बोल रहा है। फिर दया भाभी रात में फिर से दूध को फ्रिज में रख देती है, लेकिन इस बार दूध में कुछ मिला के रखती है और सुबह देखती है तो बोतल खाली होती है। दया भाभी टप्पू, जेठालाल और चंपक लाल को बुलाती है, लेकिन टप्पू वहाँ पर नहीं आता है। तो दया भाभी जेठालाल और चंपक लाल से पूछती है क्या आप दोनों ने दूध पिया है। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं, हमने नहीं पिया है। तो दया भाभी टप्पू के रूम में जाती है तो देखती है कि टप्पू सो रहा होता है। दया भाभी उसे जगाती है, लेकिन बहुत जगाने पर भी टप्पू नहीं उठता है। इसे दया भाभी को पता चल जाता है कि दूध टप्पू ही पिया था। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दया भाभी को कैसे पता चला कि दूध टप्पू ही पिया था। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड का टाइम है। आंसर जानने से पहले अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो दोस्तों, दया भाभी दूध में नींद की गोली मिला दी थी, जिसकी वजह से टप्पू गहरी नींद में सो जाता है। इसकी वजह से दया भाभी को पता चल जाता है कि दूध कौन पिया था। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।